अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप तमाम। आज हम उर्दू कवायद में आपकी उर्दू अदब का सफ़ा नंबर 12, उसमें आप देखेंगे हुरूफ़े अदब की तारीफ। हुरूफ़े अदब की तारीफ आपने ब्लैक पॉइंटर से लिखना है, फिर हम इसकी पहले हम मैं आपको समझा रही हूँ कि हुरूफ़े अदब है क्या, फिर नीचे उससे रिलेटेड एक्सरसाइज है। इसका कोई मतलब नहीं होता, ये सिर्फ जुमला साजी करता है और जुमले के साथ लिखकर जुमले के मफहूम को मुकम्मल करता है। हुरूफ़े अदब तो कौन कौन से होते हैं, ब्लैक पॉइंटर से आपने लिखेंगे के और के। अब हम पहले हम बात करेंगे के, जो का आधा के है उसको यूनाइटेड कॉमास में करके लिखेंगे। ये दो जुमलों के दरमियान बयान को वाजे करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कोई बातें कर रहा है तो उन बातों को बीच में ज्वाइन करने के लिए जो एक अल्फाज लगाते हैं वो के होता है। जैसे मैं मिसाल दे रही हूँ आपको, मिसाल के तौर पर आपने ब्लैक पॉइंटर से लिखा है अम्मी ने कहा था। अब मैं जुमला बीच में नहीं लगा रही हूँ, लेकिन मैं जुमला बोल रही हूँ जल्दी घर आ जाना। अब ये जुमला तो नामुकम्मल है ना, अब हम इसको मुकम्मल करने के लिए क्या कहेंगे, अम्मी ने कहा था कि जल्दी घर आ जाना, मैंने सोचा कि आज मुझे दादी के घर जाना चाहिए। आपने क्या करना है कि आपने के 5 जुमले बनाने हैं। अब नीचे हम के बड़ी ये वाले के इन्वर्टेड कॉमा में ब्लैक पॉइंटर से लिखेंगे, ये ताल्लुक को जाहिर करता है। मिसाल के तौर पर ये अम्मी जूते हैं। अब अगर ये बीच का मैंने के नहीं लगाया तो ये तो जुमला ही गलत बन जाएगा। तो हमने बीच को जुमले को पूरा करने के लिए क्या लगाना है, ये अम्मी के जूते हैं। ताल्लुक पता चल रहा है ना कि किसके हैं, जूते तो रखे लेकिन ये पता चल रहा है कि किसके हैं। इस दरख्त के पत्ते क्यों सूख गए, इन्वर्टेड कॉमास में के करके लिखें। आप लोग भी 5 जुमले इसके बनाएंगे घर से। ये काम तमाम आपने बहुत अच्छी राइटिंग में करना है, ब्लैक पॉइंटर और ब्लू पेन से। अल्लाह हाफिज़।